हाय एवरीवन, आज हम लोग एमसी अल्ताफ का गाना सुनने वाले हैं। इंडस्ट्री गलत, द नेम अट्रैक्टेड मी, इट कॉट माई अटेंशन। और मुझे नहीं पता एमसी अल्ताफ का मैंने पहले कोई गाना नहीं सुना, मुझे नहीं पता इनका क्या सीन है, इनकी क्या गेम है, इनका क्या हिसाब किताब है, किस तरह का गाते हैं, क्या फ्लो है। पहली बार मैं सुनने वाली हूँ, पता नहीं क्यों द नेम इज़ लाइक वेरी यू नो माई कप ऑफ टी। इंडस्ट्री गलत, कुछ नेगेटिविटी है तो हमको क्या नहीं, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ इसमें रियल होने वाला है। एंड आई कॉन्ट वेट टू डाइव इन, आई कॉन्ट वेट टू एक्सप्लोर दैट। ये है प्रोड्यूस बाय जीरो चिल, एमसी अल्ताफ और सम्मोहित। लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और क्या ही करना है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कम आ जाएगा तो उससे तो हम यूज्ड टू है। व्हाट, नो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। क्या आप एमसी अल्ताफ को सुनते हैं? आप मुझे क्यों नहीं सुनते, आप मुझे सुनते हैं नहीं। चलो बस ख़त्म, जल्दी से छोटी सी वीडियो, टेस्टिंग वीडियो। बंदा टेस्ट करने लगे, हम रैपर टेस्ट करने लगे, एमसी टेस्ट करने लगे। लेट्स डाइव इन, 3 2 1 गो। गली इंडस्ट्री गलत, पल्प फिक्शन की तरह बना विजुअल्स। लड़कों में चुली दर ज्यादा, खेलने की उम्र में लफड़े कर रहा था, पढ़ने की उम्र में हसल चल रहा, सब कुछ था ऐसा जो सपना लग रहा था, मेरा एक एक वो फैन मुझे अपना लग रहा था। हाँ, बोले फिर ट्रैक्स पे ट्रैक्स बन रहा था, गुड मुंबई 17 वो हुक में बज रहा था, इंतजार है लाइफ में कैश की, घर से निकला सर पे कैप थी, पॉकेट्स अपनी फुल ऑफ स्टैश भी मैं रख कर शूटर को फोन फिर माहौल है गंदा, भाइयों को कॉल फिर माहौल है ठंडा, दिखती नहीं तकलीफ है साले तू अंधा, ये इंडस्ट्री गलत है। हाँ। गली से आए हम मेंशन बनाने, हाय मेंटेनेंस बहुत ज्यादा, पब्लिक में शो ज्यादा देखते हैं, गली से आए हम मेंशन बनाने, अगले दिन एरिया पे साइफर था, शाम को स्टेज नेम लगता नहीं, एमसी अल्ताफ को ठसन में लिखता हुए कि बार का गैंग टर्न कभी रहते निशान, 10 रुपए के फिर साइबर में कांड, मैंने सुना फिर नाज और किया एक्सपांड अपने आर्ट को, शाउट आउट टू नाज, मैं ठसन में लिखता हूँ एक एक में पार, बकल देते सीधा अक्कल आ जाती, एरिया में पब्लिक अब छोटा पक्का, ये सिटी है लौड़े लगा की फुल भलती आबादी, यहाँ जीना है, मैं रैप करूँ हुड को फूट, मैं रैप करूँ हुड को सूट, मैं रैप करूँ हुड को खून, मैं केम फ्रॉम द बॉटम, आई एम गलत इंडस्ट्री गलत है, यही करते रहते ना इन लोग, अबे वटा अभी क्या बोलूं इन लोग को, सुबह से ना आलू भी खाया ना खाना, शूटर को फोन फिर माहौल है गंदा, भाई लोग को कॉल फिर माहौल है ठंडा, दिखती नहीं तकलीफ है साले तू अंधा, ये इंडस्ट्री में लड़कों पे केस, मेरा तो छोड़ दे अपना तू देख, मैं पैक को कर रहा था चेस, स्कर्ट स्कर्ट भाई स्कर्ट जाके पहन ले, अबे पब्लिक को मालूम नहीं स्ट्रीट्स पे रहने का वादा, आया आया वर्क वर्क मामा आया, चलो और है क्या अल्ताफ भाई, एक मिनट समय बाकी है चिल्लम और साफी है कुरला वेस्ट, यहाँ मिलती नहीं माफी है, पिक्चर ये बाकी है, पिक्चर ये बाकी है, मेरा ब्रेक हुआ फेल है, एक था वो टाइम लिखे लोकल ट्रेन में, अब लड़के नहीं बैठते हैं सोबर प्लेन में, हसलर मैं बचपन से हिप हॉप को पसंद है, फाड़ेंगे कसम से स्मोक किया रैपर सब भाई, देख मेरा सर्कल है टाइट बेटे, बेटे को मांझे के जैसे लपेटे, पब्लिक क्या सुनती नहीं लड़के सब बेड़े, बजना तू बंद कर दे केले, भाई इसको साइड में ले ले, तेरी बना दे फिल्म मेरे लोग की ट्रिप, खुले में कर दूं मैं लोग की शिट, मेरा खून है प्योर सब पॉजिटिव, देख मेरा फ्लो मेरा स्टाइल, देख मेरी स्ट्रीट मेरा वाइब, देख मेरे गीत मेरी लाइफ, मेरे से हाइप तो ले ले, हाँ जी जी की वाइब तो ले ले, आते जब भाई लोग किसी की हिम्मत नहीं आके जो माइक को ले ले, इंडस्ट्री गलत, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छे बास थे, अच्छा फ्लो था, काफ़ी मीनिंगफुल था, ही वॉज टारगेटिंग द एरिया दैट ही बिलोंग्स टू, हुड की बात कर रहे हैं वो, वहाँ पे मुझे एमसी स्टैन का एक क्लिप याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ पे वो जहाँ से जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि
बातचीत में लोग कहते हैं कि उसको मार देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, और फिर हम विल एंड अप इन जेल, और कम से कम जेल में खाना तो मिलेगा ना, घर में खाना नहीं है। तो हुड के हालात, उनके एरिया के हालात बहुत ही खौफनाक है, खूंखार हैं। जैसे कि कराची के कुछ इलाकों में हमारे यहाँ अल्ताफ भाई है, एक पॉलिटिशियन है जो बंदों की बोरियाँ बनाता है, तो कराची भी काफ़ी इस तरह से सिचुएशन के साथ डील करता है हमेशा से। वहाँ पे भी बहुत ही खूनखारी थी, बहुत धंधेबाजी, वहाँ पे बदमाशी होती है, वहाँ पे गुंडे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों का एरिया होता है कि ये एरिया मेरे अंडर आएगा, मुझे हर कोई पैसा देगा, और नहीं जो थोड़ा हिलेगा उसको उड़ा। तो इस तरह के हालात कराची के भी हैं। और हमेशा से याद रखें, जहाँ पे जो स्लम्स होते हैं, जो कि रफ़ और इस तरह के खौफनाक एरियाज होते हैं, जहाँ पे लिविंग बहुत मुश्किल होती है, जहाँ पे पावर्टी होती है, जहाँ पे क्राइम होता है, वहाँ से आर्टिस्ट हमेशा निकलते हैं, वहाँ से रैपर्स निकलते हैं, वहाँ पे स्टार बॉर्न होते हैं। हिप हॉप का ओरिजिन भी यही है, ये बना भी इसीलिए था, ये थग लोगों का लैंग्वेज था, ये क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर लोगों का लैंग्वेज है, लैंग्वेज था स्पेशली। इवन बातचीत, अगर आपको पता हो, स्लम्स की लैंग्वेज भी ऐसी होती है, आरिला जारिला तू, मतलब वो बात भी रैप में करता है, उनका मेलोडी नहीं होता, उनका स्वीटनेस नहीं होती आवाज़ में, वो लोगों को तसल्ली से बात करना आती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में वो पैदा होते हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो उस तरह से वो रफ़ एंड टफ उनके लहजे हो जाते हैं, गाली देना या गैंगस्टर लैंग्वेज हो जाती है उनकी, और वहाँ से ही रैप बनता है। तो वो अपना एरिया टारगेट कर रहे हैं, वो ये टारगेट अपने ड्रीम्स का बता रहे हैं कि मेरी नज़र कहाँ पे है, आई एम टारगेटिंग टू लिव इन अ बिगर सिटी, बड़ा घर चाहिए, बड़े पैसे चाहिए, और फिर अपना आर्ट बता रहे हैं कि मेरे बास चेक करो, वही जो एक यूजुअल हिसाब किताब होता है, वही जो यूजुअल राइटिंग्स होती है रैप की। तो अच्छा लगा मुझे, इतना बुरा नहीं लगा, मगर मुझे ये लगता है कि एम सी अल्ताफ का कोई वो गाना जो कि उसका फाइनेस्ट होगा, सजेस्ट मी इन द कॉमेंट्स। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप एम सी अल्ताफ को सुनते हैं, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि मुझे किसको रिएक्ट करना चाहिए। दिस वॉज नॉट हिज फाइनेस्ट पीस, फाइनेस्ट वर्क, मुझे बताओ। ऐसे ही सुनना था, बस करना था, कर दिया, मतलब बस एवी ऐसे ही बस रिएक्ट कर दिया नाम की वजह से यार, क्योंकि मैं रिएक्ट करती हूँ ना। तो आई सी यू गाइज द नेक्स्ट वन, आई लव यू, सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब माई बैकअप दैट इज गोट रिएक्शन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इट्स डायमंड मेमुना, आई सी यू गाइज द नेक्स्ट वन, स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी, गुड इवनिंग, इट्स 5:30 AM, रोज़ा खुलने वाला है, शट अप, ओके, घर से नहीं निकलवाओ मुझे, आई सी यू गाइज द नेक्स्ट वन, बाय।